हम लोग का कंप्लीट हो गया था, 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो 301 नंबर पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ द कंक्रीट मिक्स डिजाइन अकॉर्डिंग टू द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ IS 10262। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग इसका ऑप्शन दिया है, वाटर सीमेंट रेशियो बाय दिस जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट, वाटर रिडक्शन बाय द प्लास्टिसाइजर, एल्कली कंटेन ऑफ द सीमेंट एंड वर्कबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि IS कोड के अकॉर्डिंग एल्कली कंटेन ऑफ द सीमेंट इज नॉट यूज फॉर डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ द कॉन्क्रीट मिक्स। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं 302। द मिनिमम सीमेंट कंटेन इन द केजी पर क्यूबिक मीटर फॉर द प्लेन सीमेंट कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर द सेबल एक्सपोजर कंडीशन एज पर द IS 456-2000। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो है IS 456-250 होना चाहिए केजी पर मीटर क्यूब। सो नेक्स्ट देखते हैं 303 पे, फॉर द ग्रेड फॉर ए 43 ग्रेड सीमेंट कन्फाइनिंग टू IS 8112-2013 द मैक्सिमम अलाउड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट द 28 डेज। तो इसका जो होता है 43 मेगा पास्कल होता है। जो भी ग्रेड हम लोग का तीन टाइप के ग्रेड होता है, ओपीसी का थ्री ग्रेड होता है 33 एंड 43 और 53। तो इसका जो 28 दिन पे स्ट्रेंथ होता है 33 और इसका 43 और इसका 53। सो नेक्स्ट देखते हैं द लीक कैटिलियर टेस्ट ऑन द सीमेंट पेस्ट डिटेक्टिव अनसाउंडनेस ड्यू टू द फॉलोइंग। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला एलमुना कंटेन कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिथिलाइन कंटेन आयन आयरन। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिथिलाइन कंक्रीट कंटेंट की वजह से आता है। सो नेक्स्ट देखते हैं 305 नंबर, टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू कंक्रीट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, फ्लाई एस, सिल्का फ्यूम, जिप्सम, सोडियम ऑक्साइड, लाइम। तो इसमें का ऑप्शन नंबर सी जिप्सम हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं 306, बीकार्ड ऑपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें से नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, फाइनेस मॉडुलस ऑफ सीमेंट एंड इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा, फाइनेस मॉडुलस ऑफ द सीमेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं ये 307 नंबर पे है, लो हीट सीमेंट कंसिस्ट ऑफ द लोअर परसेंटेज विच ऑफ द फॉलोइंग, C3A एंड C2S, C3S और C2S एंड C4S। तो हम लोग को सबसे पहले जानते हैं C4S होता ही नहीं है, तो हम लोग ऐसे कट गए। अब जो हम लोग को आंसर है वो ए एंड बी है, ये क्या था C3A था एंड एंड बी क्या है C3S। इसी दोनों को जैसे हम लोग को लो हीट मिलता है कंपेसिटी। सो नेक्स्ट देखते हैं 308 नंबर पे, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ द 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट एज पर द एट द 3 and 7 and 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ इसकी बताना। तो जैसे तो हम लोगों को पता है कि 80 डे पे जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी 53 आएगी, हमने पीछे डिस्कस किया है। सो जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 दिन पे 3 डे पे कितना है 26.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और 7 डे पे 35.33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड 28 डे पे 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं 309 पे, द एयर इंटेनमेंट पोर्टलैंड सीमेंट
देयर एयर इंटरनल एयर, तो इसका क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, दूसरा दिया ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, थर्ड दिया है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ श्रिंकेज एंड क्रैक फॉर्मेशन इन द कॉन्क्रीट सरफेस एंड फोर्थ दिया इनसुटेबल फॉर द मास कॉन्क्रीटिंग। तो इसका जो ऑप्शन है 1, 2, 3, ये फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ ही रॉन्ग है, फोर्थ जो हम लोग का रॉन्ग है तो 3 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं 310 नंबर क्वेश्चन। द स्टेट वेदरिंग फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सॉरी पेन थोड़ा डिस्टर्ब है, द कंसिस्टेंसी टेस्ट, सॉरी कंसिस्टेंसी टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग सीमेंट पेस्ट। दूसरा है बी, वी कार्ड ऑपरेटर इज यूज फॉर डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, देन इसका आंसर हो जाएगा ई, ए टू है एंड टू, सेकेंड जो है सेकेंड भी टू है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 311 नंबर क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंट्रीब्यूट टू फ्लाई एस, तो इसका जो है ये तो होता है फ्लाई, सॉरी ये जो मेजर कंट्रीब्यूट होता है कोबाल्ट ऑक्साइड होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे सबका लिखा हुआ है कि सिल्का ऑक्साइड का, एल्मिना ऑक्साइड का, एंथेरस ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, इस सब कितना क्वांटिटी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबकी। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 312, व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर द लाइम पोजलाइना, लाइम पोजलाइना की इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 2 आवर होती है। ओपीसी की कितनी होती है, ओपीसी की इनिशियल सेटिंग टाइम 30 होती है और फाइनल सेटिंग टाइम उसकी 10 आवर होती है। और ये 313 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन कंपेयर विद द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट रिएक्ट विद द वाटर, देन फास्टर होगा, क्योंकि ये देखिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम, तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जल्दी से फास्ट करेगा, रिएक्ट करेगा वाटर से एज कम्पेयर टू द ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट। सो नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब आप ऑर्डिनरी पोर्टल एंड सीमेंट फॉर डिजाइन मिक्स कंक्रीट 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, तो मैक्सिमम ले सकते हैं 450 केजी पर मीटर क्यूब। सो नेक्स्ट देखते हैं 315, द एक्सपेंशन इन द पोर्टलैंड सीमेंट कैन बी टेस्टेड, द एक्सपेंशन सामने से पता चलता है कि एक्सपेंशन। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप लोग ये भी देखते चलिएगा क्योंकि सब हर क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पे सामने द पर्पज ऑफ द दिस टेस्ट टू बी डिटेक्ट द चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर द सेटिंग ड्यू टू द फ्री लाइम ऑफ मैग्नीशिया। सो नेक्स्ट देखते हैं 316 नंबर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक सरफेस इन केजी पर ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ द गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए 2250 से। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ओपीसी ग्रेड वाइज दिया हुआ कि ये जो है मीटर पर केजी में दिया हुआ, मीटर स्क्वायर पर केजी में 225, इसको आप सेंटीमीटर पर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2250 आएगा टोटल। सो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी दिया है यहाँ पे कि आप लोग इसको 305 मीटर स्क्वायर पर केजी है, इसको सेंटीमीटर पर कन्वर्ट करेंगे तो 3050 आएगा। लो हीट सीमेंट का भी दिया हुआ 320। सो नेक्स्ट देखते हैं, जिप्सम इज एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट व्हाइल मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल
एट द एंड आप ग्राइंडिंग अप क्लिंकर इनटू द पाउडर डो ड्यूरिंग बर्निंग इन द रोटरी किल एट द बीइंग ऑफ द ग्राइंडिंग अप क्लिंकर। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द ग्राइंडिंग अप क्लिंकर विद द पाउडर इन टू द पाउडर। सो नेक्स्ट देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ सिलेक्ट कंपोनेंट ऑफ पोर्टल एंड सिलेक्ट सीमेंट इज बाय द, तो सिलेक्ट आई एस कोड के अकॉर्डिंग जो होती है सिलेक्ट कंटेन इन द पोर्टल एंड सीमेंट 25-65% होती है। तो हम लोग को जो ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है कि हम लोग का ऑप्शन जो मैच करता है वो है बी। सो नेक्स्ट देखते हैं, द इनिशियल सेटिंग टाइम द इनिशियल सेटिंग ऑफ द सीमेंट इज कॉल्ड ड्यू टू, इनिशियल किसकी वजह से ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट की सी थ्री ए की वजह से, सी थ्री ए की वजह से। सो नेक्स्ट देखते हैं, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 होता है इसका आंसर। और यहाँ पे भी देख लीजिएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 30 होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर मैक्सिमम होता है, मिनिमम 30 मिनट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सीमेंट डिपेंड अपॉन द फाइनेंस पे डिपेंड करता है, जितना फाइनेंस होगा उतना ही रेट से हाइड्रेशन होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द सेविंग ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट इज 90% सेविंग शुड नॉट बी एक्सेस, इसका 10% होता है, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, द क्लिंकर इज फॉर्म एट द परसेंटेज ऑफ, तो कितने सॉरी टेम्परेचर ऑफ कितने पर क्लिंकर इस फार्म एट द टेम्परेचर आप कितने पे होता है, इसका होता है 1450 होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे मैच करता है 1500, तो आपसे इसका डी हो जाएगा। सोने से देखते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट इन द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज, तो इसका जो मोस्ट होता है कि लाइम स्टोन 60-62% के बीच में होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ 60-65% के बीच में, एवरेज 63% लिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लाइम कितना होता है 62, सिल्का कितना होता है 70-25%, एल्बोना का होता है 3-8%, आयरन ऑक्साइड कितना होता है 0.5-6%, मैग्नीशिया कितना है 0.5-4%, सोडा पोटाश कितना होता है 0.5-1%, सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड 1-3% होते हैं, एवरेज इनका लिया जाता है 1.5 लिया जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, इन पोर्टल एंड सीमेंट स्ट्रेंथ आफ्टर 2-3 ईयर कंट्रीब्यूट बाई द कंपाउंड, तो ये ढाई कैल्शियम सिलिकेट का था C2S, क्योंकि C2S स्ट्रेंथ देता है लेट से देता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट टाइप यूज फॉर कैनाल लाइनिंग, कौन से सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोजलाइना सीमेंट एंड क्यूक सेटिंग टाइम, तो इसका हम लोग यूज करते हैं ये सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। सो यहाँ पे देख सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के दिया है, सिचुएशन वेयर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ इज डिजायर, एग्जाम्पल रिपेयर ऑफ द रोड ब्रिज एंड इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिया क्यूक सेटिंग्स सीमेंट फॉर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, पोजलाइना सीमेंट इज यूज फॉर मैदिन वर्क मास कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन एंड सच एज डैम लार्ज फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रेशन ऑफ बीच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज, तो इसका भी ऑप्शन नहीं है जो पीछे हमने डिस्कस किया कि C2S। सो नेक्स्ट देखते हैं, 28, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लाई एस, फ्लाई एस के बेस में। सो पहला दिया है ऑप्शन ए, एज पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन द रेंज ऑफ 15-30% फ्लाई एस रिड्यूस द स्ट्रेंथ इन इनिशियल पीरियड, बट वंस
पोजोलैनिक प्रोसेस सेट इन द हाइयर स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन। सेकंड क्या है, द फ्लाई इज पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द सैंड हैज ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ऑन स्ट्रेंथ इवन एट अर्ली एज। द फ्लाई एज ए पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इज इकोनॉमिकल। थर्ड दिया है, ए स्टमल्टेनियस रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट एंड फाइनल एग्रीगेट इनेबल टू द स्ट्रेंथ एट द स्पेसिफिक एज टू बी इक्वलेट डिपेंडिंग अपन द वाटर कंटेंट। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत है। सो हम लोग को जो ऑप्शन है 15 से 30% नहीं होता है, यहाँ पे दिया है बी एंड सी। तो सी में क्या, फ्लाई एज ए पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इज इकोनॉमिकल, तो ये भी होता है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी एज करेक्ट है, क्योंकि फ्लाई एज ए पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ इवन ए अर्ली एज। सो नेक्स्ट देखते हैं 329 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। तो यहाँ पे पहला दिया है, हाईली रिएक्टिव पोजोलैनिक इनहेंस द अर्ली एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिट सीमेंट। दूसरा दिया है, बी पोजोलैनिक एक्टिविटी रिफाइन पोर स्ट्रक्चर विच डिक्रीज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्क्रीट। थर्ड दिया है, द एक्सपेंशन ड्यू टू द एल्कली सिलिका रिएक्शन कैन बी कंट्रोल बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑफ ए हाई एज 60% ऑफ द ओपीसी विद द हाई कैल्शियम पोजोलैना। डी दिया है, सच हाई अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट सीमेंट रिजल्ट इन द हाई एक्सेलरेटेड कार्बोनेशन डेप्थ कंपेयर टू द प्योर यूज ऑफ ओपीसी के। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक The composite cement made with 60% OPC with the 30% fly ash and 5% limestone powder as with the higher strength for PPC, Pozzolana Portland cement made with the 30% fly ash. So next लिखते हैं 330 question number। The consider the following statement, इसमें इस statement को correct choose करना है। The हाइड्रोपोबिक सीमेंट ग्रेन पोजेसेस लो वेटिंग एबिलिटी। सेकंड है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूजफुल इन द कॉन्क्रीट अंडर द स्टैटिक और रनिंग वाटर। थर्ड, द क्यूब सेटिंग सीमेंट हेल्प टू कॉन्क्रीट टू अटेन हाई स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड। फोर्थ दिया है, इसका वाइट सीमेंट इज जस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टर एंड फ्री फ्रॉम द कलर ऑक्साइड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है पहले और चौथे, पहला और चौथा दोनों मैच करता है, दोनों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि पोजेस टू लो वेटिंग एबिलिटी, ये करेक्ट है इसका। और जो फोर्थ जो है कि वाइट सीमेंट इज जस्ट वैरायटी ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड फ्री फ्रॉम द कलरिंग ऑक्साइड, तो ये भी सही है, हम लोग अलग से पिगमेंट ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, इफ्लुएंस इन द सीमेंट इज कॉल्ड ड्यू टू डैट एल्कलीनिटी की वजह से आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट विच प्रोवाइड द क्यूब सेटिंग प्रोवाइड सॉरी प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। क्यूब सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए यह रिस्पॉन्सिबल है एल्मुना। ठीक है, प्रेजेंट इन C3 ये कि ये C3 ये क्या करता है कि स्ट्रेंथ को फास्ट करता है, मतलब जल्दी से सेट हो जाता है। और C2S ये दोनों मिलके लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेंथ को गेन करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, 33 क्वेश्चन, द फॉलोइंग द सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर द 3 डे। तो 3 डे में हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्मुना सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, ये तीनों में से नहीं हो, फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी एंड डी ये तीनों ही फास्ट रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये हाई एल्मुना सीमेंट फास्ट रिएक्ट करता है। यहाँ पे दे
यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 334 नंबर पे ट्राई कैल्शियम एलमिनेट रिएक्ट विद द सॉल्यू विथ वाटर, जो कि गलत है, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हाइड्रेशन, ये सही है। और सी देखते हैं, हैज मोर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, नहीं, इसके लिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करना पड़ता, अकॉर्डिंग इन नेचुरल भी नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 335 नंबर क्वेश्चन गया कि द पिकार्ड अपैरेटस इज यूज फॉर द टेस्टिंग सीमेंट फॉरिंग, तो इसके लिए टेस्टिंग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं फॉर सेटिंग टाइम के लिए, फाइनेंस के लिए, और सॉरी फाइनेंस के लिए तो सिर्फ एनालिसिस करते हैं, और तीसरे साउंडनेस के लिए लीक एट लिए अपैरेटस यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट, तो कितना परसेंट वाटर, तो देखिए यहाँ पे द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर द कंप्लीट रिएक्शन इज 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट, 38% चाहिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनेंस ऑफ द सीमेंट इज टेस्टेड बाई, तो फाइनेंस किससे करते हैं, परमिटिविटी टेस्ट करते हैं फाइनेंस टेस्ट, और इसमें दो तीन ऑप्शन और भी है, लीक एटीजेस 100 के बिकार्ड ऑपरेशन कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, द हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन द सीमेंट रिजल्ट, तो जिसमें C3 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोला, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो उसमें क्या होता है कि हाई अर्ली स्ट्रेंथ, ये हाई अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द ऑक्साइड प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट इन किल्न एट द हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड, तो इसकी वजह से हम लोग बोगस कंपाउंड आता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 340, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट द ट्राई एंड वेट मिक्सचर कैलकुलस आर यूज मटेरियल विद द बर्न विद द टेम्परेचर ऑफ, कितने टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर होता है ये 1500 से 1600 के बीच में होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 341 क्वेश्चन, द स्टेटमेंट वन एक्सपेंसिव सीमेंट इज यूज इन द रिपेयर वर्क फॉर ए ओपन अप जॉइंट, द स्टेटमेंट टू एक्सपेंशन सीमेंट एक्सपेंड वाइल द हार्डनिंग, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ये है, क्योंकि ये जो है ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट द अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज फॉर कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर टेस्ट, तो इसके लिए हम लोग पहले बताए थे 0.85 P होता है, तो यहाँ सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और नीचे चार्ट बना के रखा हुआ है, ये देखिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 देते हैं, और हम लोग को अगर साउंडनेस टेस्ट करना पड़ता है तो 0.78 लेते हैं पी, और कंपाउंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए एक्स बाई 4 3.5, और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए एक्स बाई 5 2.5 लेते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड लो हीट सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिमेंट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर द 3 डे शुड नॉट बी लेस देन 3 डे, तो इसका जो है 3 डे के अंदर में 16 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर द यूज फॉर मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सच एज ए लार्ज डैम, लो हीट
सीमेंट इसके लिए यूज करते हैं, डैम के लिए लाश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 346। द एयर परमिटिविटी टेस्ट इज डन बाय टू मेजरमेंट। द एयर परमिटिविटी टेस्ट इज डन मेजर, तो उसके लिए फाइनेंस टेस्ट निकालते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एयर परमिटिविटी मेथड टू यूज टू डिटरमाइन द फाइनेंस ऑफ सीमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 348 हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोन प्रोड्यूस बाय मोल्डिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ द आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड स्लैग। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्लिक स्टोन, इम्प्रूवियस स्टोन, रैमसम स्टोन एंड विक्टोरिया स्टोन, ये तीनों नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं 349। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द रिकमेंडेड यूजिंग द सल्फेट रेजिस्टिंग कॉन्क्रीट इज यू, पहला दिया कॉन्क्रीट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्ट फाउंडेशन एंड बेसमेंट वेयर सॉइल इज नॉट इन्फेक्टेड विद द सल्फेट। सेकेंड दिया कॉन्क्रीट इज यूज फॉर फेब्रिकेशन विद द पाइप ऑफ द पाइप विच आर लाइक टू बी बर्न बरीड इन मार्शली रीजन ऑफ सल्फेट बियरिंग सॉइल। थर्ड दिया कॉन्क्रीट टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट वाल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ये 2 और 3 हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज ए डिलिक्विसेंट। द क्यूब सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट, वाइट कलर सीमेंट एंड कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट एंड वाटर रिप्लेसमेंट सीमेंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 1026-1982 रिप्रेजेंट द गाइडलाइन फॉर मिक्स डिजाइन ऑफ द एयर इंटरनल मीडियम फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, नॉन एयर इंटरनल मीडियम फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट। थर्ड जो है हम लोग का एयर इंटरनल मीडियम मिक्स एंड डी जो है बोथ 1 और B। इसका जो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है डिक्रीज द रेट ऑफ स्टैंड डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट सीमेंट। इन सेकेंड दिया बी इंक्रीज द रेट ऑफ स्टैंड डेवलप एंड लीड द हाई श्रिंकेज। थर्ड दिया है इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप एंड रिड्यूस द रेट ऑफ डिटेरियस। यहाँ पे देखते हैं बहुत रिड्यूस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप एंड लीड टू हाई श्रिंकेज। तो हाई श्रिंकेज ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड द हाइयर श्रिंकेज, फाइनेंस जितना होगा उतना ही श्रिंकेज आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 क्वेश्चन, द टेस्टिंग ऑफ द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज नीडल। नीडल की जो साइज होती है 1 mm स्क्वायर सेक्शन इज यूज, करेक्ट आंसर। 54 देखते हैं, ब्लास्ट फर्नेस लेग हैज अप्रॉक्सीमेटली। तो ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट में तो 45% कैल्शियम ऑक्साइड, अबाउट 35 सिलिका, 50% एलुमिना, 20% ऑक्साइड जो कि गलत है, और यहाँ पे 25% मैग्नीशिया और 15% सिलिका, ये भी गलत है। 25% कैल्शियम सल्फेट और 15% एलुमिना, ये ऑप्शन फर्स्ट रही। यहाँ पे भी देखिए आप लोग एक्सप्लेनेशन में भी 2/3 ऑफ द मास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 350, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द 53 ग्रेड डॉट इन पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 72 हवा शुड नॉट बी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है 27 हो जाएगा, 3 दिन में हम लोग को 27 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ आ जाती है। सो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ कि ग्रेड का और स्ट्रेंथ 33 ग्रेड के लिए 3 दिन पे 16 आता है, 7 डे पे 22 आता है, और फिर इसके बाद 28 डेट पे 33 आता है। सो ऐसे इसका सबका देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे 33 है, 44 43 है,
यहाँ पे FE53 है कि 27 है, 37 है, FE53 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 देखते हैं। बेस ऑफ द हीट रिलीज अपॉन द हाइड्रेशन अरेंज द फॉलोइंग फोर कंपाउंड ऑफ द सीमेंट C3S, C2S एंड C3S, C4AF इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि हीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट को जैसे देख लेंगे कि किस में हीट ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा हीट C3A में होता है, उसके बाद हीट किस में आती है, उसके बाद हीट आती है C3S में आती है, एंड थर्ड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे हम लोग को C4AF आएगा, सबसे लास्ट नंबर पे हम लोग आएगा ये आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं C3A कहाँ पे, C3A 3, तो हम लोग को 3 पहले आ रहा, फिर उसके बाद 1 आ रहा, उसके बाद 1 आ रहा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो है मैच कर रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का है कि द फाइनेंस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट द सीव एनालिसिस यूजिंग द ISC। तो इसमें ये पूछा था, यहाँ पे देखिए फाइनेंस सीमेंट कैन बी आउट फ्रॉम द सीव एनालिसिस यूजिंग द ISC नंबर। कितना सीव नंबर होता है, टोटल 9 सीव नंबर होते हैं। आप लोग इसको एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं 58 क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ बाउंड वाटर बाय द वेट ऑफ द सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन विद द पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका जो होता है 33% होती है, बाई 33 एवरेज दिया जाता है 23% वेट वाटर बाई वेट ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन विद द पोर्टलैंड सीमेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द ISO 10262 OPC इन डिवाइडेड इंटू द हाउ मेनी ग्रेड। तो हाउ मेनी कितना ग्रेड होता है OPC, तो इसमें आता है 3 ग्रेड होता है। यहाँ पे देखिए 3 ग्रेड है, 33, 43 एंड 53 ग्रेड OPC का, ऑर्डिनरी पोर्टल एंड सीमेंट का। इसकी स्टैंडर्ड हमने पीछे डिस्कस किया हुआ पूरा। सो नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर साउंडनेस टेस्ट इज परसेंटेज। साउंडनेस टेस्ट के लिए 0.78 लेते हैं हम लोग। अगर ये सेटिंग टाइम हम लोग डिस्कस करना होता है, सेटिंग टाइम के लिए हम लोग 0.85 भी लेते हैं। तो सो नेक्स्ट देखते हैं, IS कोड फॉर पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। तो इसके लिए IS कोड होता है, ये होता है 1489। यहाँ पे सबका कोड लिखा हुआ, पोर्टलैना पोर्टलैंड सीमेंट का IS कोड लिखा, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का और हाइड्रोफोबिक सीमेंट का भी IS कोड लिखा हुआ। सो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 362। द फाइनेंस ऑफ द OPC शुड नॉट बी लेस दैन द इन MM पर ग्राम इंटू 10 to 2। तो इसका जो होता है ये होता है 2250। सो इसका देख लेते हैं आपको कैसे परमिटिविटी टेस्ट कैसे निकाला जाता है, जो एक्सप्लेनेशन में है आप लोग देख लीजिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विच टाइप ऑफ द सीमेंट इज मोस्ट अडॉप्टेड फॉर द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। तो इसके रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट एंड DF ब्लास्ट फर्नेस लेग। तो इसका ऑप्शन है DF ब्लास्ट फर्नेस लेग, अंडर वाटर में ये यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज एज पोजोलैनिक सीमेंट। तो इसमें क्या होता है, पहला क्या है, रिड्यूस वॉलबिलिटी, इंक्रीज ब्लीडिंग, इंक्रीज लिंकेज, इंक्रीज स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है, इंक्रीज लिंकेज होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाई एलुमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय द फ्यूजिंग टुगेदर ए मिक्स ऑफ। तो इसमें क्या होता है, मिक्स, तो इसमें दो ही मिक्स होते हैं, पहले लाइम स्टोन एंड बॉक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन द मास कॉन्क्रीट वर्क सच एज लार्ज डैम, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, लो हीट सीमेंट। मास डैम के लिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग भी नहीं यूज करते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग, तो हम लोग इसके लिए लो हीट सीमेंट यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट इज टेस्टेड बाई, द क्वालिटी ऑफ सीमेंट टेस्टेड बाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट 368, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा गलत है, टाई सिलकेट,
हाइड्रेटेड रैपिडली टाई कैल्शियम सिलिकेट जनरेटेड मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन टाई कैल्शियम सिलिकेट डेवलप अर्ली स्ट्रेंथ और टाई कैल्शियम सिलिकेट इज मोर रेजिस्टेंट सल्फेट अटैकिंग। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये देखिए टाई कैल्शियम सिलिकेट हैड नॉट मोर रेजिस्टेंस टू सल्फर अटैक। जो टाई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो सल्फर अटैक के लिए नहीं था बल्कि वो स्ट्रेंथ को स्लोली देता है और टाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टाई कैल्शियम सिलिकेट दोनों के मिलकर करीब 70-80% कंपोजिशन होती है। सो नेक्स्ट देखते हैं द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ सीमेंट इन बर्न कितने पे बर्न होता है। तो द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इन्ग्रीडियंट सीमेंट इज बर्न 1,000, 1,200, 1,400 and 1,600। तो इसका हो जाएगा 1,400। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन द परसेंटेज ऑफ पोजुलाना मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू द 80% यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोजुलाना सीमेंट। तो जो इसका ऑप्शन है इसको लिया जाता है 25-35%। 0.3 हो जाएगा ऑप्शन सही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ऑब्टेन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ जिप्सम। नहीं, जिप्सम क्या करता है सिलेंडर को रिड्यूस करता है। बर्निंग ऑफ लो टेम्परेचर, नहीं ये भी गलत है। फाइनिंग ग्रेटिंग और डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, तो लाइम कंटेंट को डिक्रीज करने से स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करेगा। तो हम लोग को सबसे पहले है फाइन ग्रेटिंग, मतलब जितना ही फाइन रहेगा उतना ही स्ट्रेंथ अर्ली गेन करेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ड्रिलिंग पोर्टल लेंथ। हम लोग को पता है कि 30 मिनट होता है और 10 घंटे होता है। 10 × 60 करेंगे तो हम लोग यहाँ 600 मिनट आ जाएगा। तो हम लोग को फाइनल सेटिंग टाइम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सो नेक्स्ट देखेंगे एडिशन ऑफ द फ्लाई एस एंड ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लाइक इन द कंक्रीट कंपोजिशन मे बी टेकन into account with respect to the cement content and water cement ratio, with respect to the water cement ratio only, with respect to the aggregate and water cement ratio, with respect to the cement content only। तो जो हम लोग का इसका आंसर है ये होगा with respect to water cement content and water cement ratio। ऑप्शन नंबर सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंक्रीज फाइनेस ऑफ सीमेंट अफेक्ट अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ, एक सही है। अफेक्ट ओनली अल्टीमेट स्ट्रेंथ, नहीं गलत है। बोथ ए एंड बी एंड डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ, ये भी गलत है। तो हम लोग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पोर्टल एंड पोजलाइना सीमेंट पोजेस। तो इसका जो है पोर्टलैंड पोजलाइना सीमेंट इज पोजेस लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन वाटर टाइटनेट लोअर श्रिंकेज एंड ड्राइंग ऑल ऑफ दी वक्त, इसका ऑल ऑफ दी वे हो जाएगा, सभी इसमें सही है। क्योंकि पोजेस देखिए लोअर श्रिंकेज ऑन ड्राइंग इट हैज बी द वाटर टाइटनेट, पोजलाइना 20-30% होता है, पोजलाइना हैविंग द बाइंडिंग प्रॉपर्टी एम नॉट। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन द साउंड टेस्ट इन सीमेंट डिटरमाइन। साउंडनेस टेस्ट इज सीमेंट डिटरमाइन ड्यूरेबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ क्वालिटी ऑफ लाइम इनिशियल स्ट्रेंथ क्वालिटी ऑफ लाइफ द लाइम। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सीमेंट इज सेड टू बी द गुड क्वालिटी इफ इट इज नॉट स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन द फिंगर्स, इट इज अ कलर इज ग्रेनिश कलर एंड सी ए इज हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रो इनटू द बकेट एंड वाटर डज नॉट फ्लो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यही सही है, करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल सेटिंग सीमेंट इज कार्ड टू टू दो। तो इनिशियल सेटिंग हम लोग की होती है C3 है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, फायर ये 50 kg बैग ऑफ सीमेंट वाटर रिक्वायर्ड इज। तो 50 kg सीमेंट के लिए हम लोग को 22.5 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होती है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी जो परसेंटेज ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर टू एडेड टू द डिटरमाइन द इनिशियल सेटिंग टाइम। इसका ऑप्शन नंबर 0.85 pm है। हमने पहले बताया था कि कंसिस्टेंसी के लिए 0.85 pm लेते हैं, और हम लोग अगर साउंडनेस के टेस्ट के लिए 0.778 लेते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म ऑफ द कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से? पहला दिया है ऑप्शन ए C3A एंड C2S टुगेदर कंस्टिट्यूट अबाउट 70-80% ऑफ सीमेंट, ये सही है। और दूसरा दिया है बी C2S एंड हाइड्रेटेड स्लोली एंड प्रोवाइड मच ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, एंड सी दिया है कि C3S हैविंग द फास्टर रेट ऑफ द रिएक्शन इज एकॉम्पनीज बाय द ग्रेटर हीट इवेल्यूएशन, एंड सी डी दिया है C3S प्रोवाइड मोर रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल, गलत है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ स्पेसिफिक सरफेस इज नॉट लेस देन। तो इसको तो हम लोग पता है कि सर स्पेसिफिक सरफेस 22-50 होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं ऑटोकॉल मेथड यूज फॉर डिटरमाइन। तो हम लोग ये पहले पता है कि एक्सपेंशन को फाइंड आउट करता है, डिटरमाइन करता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंशन वही एक्सपेंशन साउंडनेस टेस्ट को ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए स्लो सेटिंग सीमेंट हैज द हाइयर परसेंटेज ऑफ, तो किसमें हाइयर परसेंट होता है? इसका हाइयर परसेंट होता है जिप्सम का, नहीं है तो 2-3% होगा। डाइकैल्शियम सिलिकेट का भी कम परसेंट होता है, करीबन 20-25% के आसपास में, और डाइकैल्शियम सिलिकेट का ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फॉर द एब्राम वाटर सीमेंट स्टेंट लॉ इज बैरिक, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन इज नेसेसरी। तो इसमें से फर्स्ट दिया है कि वाटर यूज शुड बी पोर्टेबल, बी दिया है द सीमेंट मस्ट बी कंज्यूम विद इन द सीमेंट डे, थर्ड दिया है द कंज्यूम शुड बी केप्ड इन फ्रेम फॉर द लिस्ट 7 डे, एंड डी दिया है कॉन्क्रीट शुड बी फुल्ली कंपैक्टेड। तो ऑप्शन डी इज फुल्ली कंपैक्टेड करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो है, तो इसका जो है स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाय द वाटर सीमेंट रेशियो, 1 बाय द ए एंड बी कांस्टेंट है। इसको ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो वाटर सीमेंट, देखिए स्ट्रेंथ इक्वल टू 1 बाई वाटर सीमेंट रेशियो। इसको ये भी बोल सकते हैं कि सीमेंट बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यहाँ पे अगर सीमेंट बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर वाटर बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ घटेगा। सो आप लोग इसको देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी द कंसिस्टेंसी इन द mm ऑफ द मोर्टार यूज फॉर द फिलिंग कैविटी। तो इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इतना 130-150 के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनिशियल सेटिंग टाइम नियर द सीमेंट पेस्ट शुड बी मिनिमम ऑफ एक्स मिनट एच फॉर द इतना, वेयर एक्स इज मिनिमम, इसका 30 होना चाहिए। सो नेक्स्ट, द कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नेचर ऑफ पोर्टलैंड क्लिंकर पेज। तो इसका जो है डाइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट टेट्राकैल्शियम सिलिकेट पेरेट और डाइकैल्शियम एलिमिनेट, तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाए डाइकैल्शियम एलिमिनेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टाइप प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग रोटरी किल्न चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर इसका ए होता है कि 1450 के आसपास, तो बिटवीन 1300 से लेकर 1400 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट रेजिड्यू ऑफ द आईएस नंबर शुड बी मोर देन, इसका होता 5% होता है। अगर ओपीसी का पूछे, ओपीसी का, तो ओपीसी का 10% होता है रेजिड्यू। और इसका जो है अगर आरएसपी इन रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का पूछे तो 5% होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इन रॉ मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ स्ट्रेंथ इन साउंडनेट इन पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इन द प्रिपेयरिंग सीमेंट कॉन्क्रीट बाय द वैल्यूम ऑफ साइज ऑफ वुड बॉक्स यूज टू मेजर सैंड एग्रीगेट, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 35 to 25 × 40 cm इसका होता है। सो ये नेक्स्ट देखते हैं, 393 देखते हैं। सैंपल ऑफ द सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन फ्री, इसका जो होता है लाइम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर पे, कंट्रीब्यूटिंग या तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग को चूज करना है। तो इसका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में C3S, C2S एंड C3A, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को बी दिया है C2S, C4F एंड C3S एंड C3A, और सी दिया C2S, C3S, C3A, C4F, डी दिया C3S, C3A, C2S, C4A, तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे आप देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए कि C3S डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम इसी का होता है और सबसे उसके बाद इसका होता है, फिर उसके बाद इसका होता है, ये स्ट्रेंथ की बात करता है। और अगर हाइड्रेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन ये देता है, उसके बाद C3A देता है, फिर C3S देता है, फिर C2S, और इसके बाद अगर रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन की बात करें तो C3A देता है, C3S देता है, फिर उसके बाद C4AF देता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल सल्फर कंटेंट ऑफ द सीमेंट इज लेस देन, सल्फर कंटेंट की मात्रा 2.5%, इसका ऑप्शन नंबर बी है। अभी यहाँ पे देखिए सल्फर की 1 to 3 के बीच में होता है, तो इसके ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है, और 5% तो होता ही नहीं है, तो 2.5% इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, IS 12269 डील विद द, तो 12269 डील विद द ए ओपीसी ग्रेड की बात करता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज एक्सप्रेस, तो फाइनेंस ऑफ सीमेंट किस में एक्सप्रेस करते हैं कि इसका बी ऑप्शन सही है, यानी सेंटीमीटर पर ग्राम में करते हैं या चाहे मीटर स्क्वायर पर केजी में करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउंडनेस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन सीमेंट टू डिटरमाइन द साउंडनेस पेनिट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सीमेंट, द प्रेजेंस ऑफ द साउंड मटेरियल इन द सीमेंट एंड सी द प्रेजेंस ऑफ अनकम्पाइंड लाइन इन सीमेंट, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99 क्वेश्चन, 99 द वीक क्रॉस सेक्शन ऑफ द नीडल इज यूज, तो हमने पहले ये दो तीन बार रिपीट कर चुका है कि इसकी जो डायमेंशन होती है 1 mm² होती है, और जो इसका पेनिट्रेशन की वैल्यू होती है 33 to 35 के mm के बीच में होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 400 क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ द एडिंग पोजलाइना इन द सीमेंट, तो इसका जो मेन एडवांटेज है वो मेन एडवांटेज फर्स्ट जो है लॉन्गर लाइफ, रिड्यूस कॉस्ट एंड पर्मेबिलिटी ऑफ कंक्रीट
स्लोअर सेटिंग टाइम फास्टर सेटिंग टाइम, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है, रिड्यूसिंग द कट एंड पर्मियबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल परसेंटेज ऑफ टाई कैल्शियम सिलिकेट एंड द टाई कैल्शियम सिलिकेट इन द ऑल टाइप ऑफ द ऑल टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज अराउंड 50% दिया है, 60%, 70%, 80%, 90%, तो जो इसका अराउंड होता है दोनों को मिलाकर 72% होता था। इसका ऑप्शन सी इन करेक्ट। वाइट सीमेंट इज वाइट इन कलर ड्यू टू द यूज ऑफ लाइम स्टोन एंड चीना क्ले फ्री फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड। दूसरा है बी है इट्स मॉडिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। थर्ड जो है स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट गिवन टू द ऑर्डिनरी सीमेंट एंड नॉन ऑफ दी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूज ऑफ द लाइम स्टोन चीना क्ले फ्री फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड होना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने वाला है। अभी हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम टाइप ऑफ द सीमेंट विद द कॉलम टू प्रॉपर्टी ऑफ द पेंटेशन। पोजलाना पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, इसकी दूसरा सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो इसका देखते हैं पहले का जो है इसमें से कौन सा मैच करता है। पहला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विद द लेस देन 5% ट्राई कैसे मिलेगा। सेकेंड है कंटेन 25-60% स्लैग विद द ऑफर गुड सल्फेट रेजिस्टिंग। और थर्ड जो है ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर विद ओलिक एसिड। बहुत देखते हैं रिक्वायर लॉन्गर क्यूरिंग टाइम देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका जो देखते हैं पहले का जो है फोर्थ में मैच कर रहा है, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट इज रिक्वायर लॉन्गर क्यूरिंग टाइम देन द ओपीसी। ओपीसी से ज़्यादा होता है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सेकेंड का सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट किस में मैच करा, ग्रेंडिंग ये नहीं है, थर्ड नहीं है, टू नहीं है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विद लेस देन 5%। इसका एयरमुना है, हाँ ये मैच करा है ऑप्शन ए। और आज का पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, तो इसका जो है कंटेन द इसका सेकेंड है, और जो बचा हुआ है ये ग्रेंडिंग आपके निकल भी तो होगी। सब लोग ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है कि ए का फोर एंड कौन, ये ऑप्शन ये मैच कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी मैच द लिस्ट। पहला दिया लाइम एल्कली एलमुना आयरन ऑक्साइड। तो पहले लाइम क्या कहता है कि लाइम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, तो इसका ऑप्शन नंबर ये इसमें मैच करेगा। और उसके बाद एल्कली क्या कहता है, इफ्लुएंस क्रिएट करता है कहाँ पे, हाँ कॉज वाइज इन्फ्लुएंस, इसका बी है दो का। एलमुना तीसरा क्या है, तीसरा कंट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इन्फ्लुएंस सेटिंग टाइम। तो इसका जो है कंट्रीब्यूट इन्फ्लुएंस द सेटिंग प्रॉपर्टी। और डी का जो है आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट कलर, इसका कलर दिखा। इसका ऑप्शन नंबर मैच करा, ए मैच करा। सो नेक्स्ट देखते हैं 405 नंबर क्वेश्चन, इंक्रीज द फाइनेंस ऑफ द सेटिंग, इंक्रीज द फाइनेंस ऑफ द सीमेंट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन विदाउट चेंजिंग इन द टोटल अमाउंट ऑफ द हीट एंड लिबरेटेड। सेकेंड देखते हैं, डिक्रीज द रेट ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन विदाउट चेंजिंग टोटल अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेटेड। थर्ड देखते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ द हीट हाइड्रेशन विद द इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेटेड। डी देखते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ द हीट हाइड्रेटेड विद द रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लिबरेटेड। तो जो इसका इंक्रीज द रेट ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन विदाउट चेंजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, जिप्सम इज एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन ऑर्डर शॉर्टर सेटिंग टाइम नहीं लॉन्गर के लिए, एक क्या कहता है इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम को जिप्सम। सो नेक्स्ट देखते हैं, चार सौ सात नंबर, फाइनली डिवाइडेड पोर्टलैंड रिएक्ट विद द लाइन प्रोडक्शन ट्राई सिलिकेट डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो जो इसका ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एसेस यूजिंग द लीक एटेस्ट टेस्ट, इसके जो है साउंड टेस्ट के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मेजर यूजिंग द एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन ग्रेड 43 सीमेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म विद द इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मेगा पास्कल। इसका जो 43 स्ट्रेंथ होता है मैंने पीछे भी डिस्कस किया 28 दिन के बाद। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच टेस्ट इज कैरिड आउट टू नो अबाउट द फ्री लिमिट इन सीमेंट। तो जो इसका है कंसिस्टेंसी साउंडनेस टेस्ट और सेटिंग टाइम सीमेंट फाइनेंस, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फ्री लाइम। सो नेक्स्ट देखते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट शैल नॉट बी 30 होता है और व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एक्टिविटी ऑफ सीमेंट इज कंस्ट्रक्ट एज पर आईएस कोड 2% होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू में 50 के जी सीमेंट बिलीव बैग, जिसको मैं पहले भी बताया था कैसे निकाला, 0.345 होता है तो यहाँ पे 0.34 भी है जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द कंपाउंड इज अ मैक्सिमम परसेंटेज प्रोपोर्शन इन द सीमेंट, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिमम इसी का होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, राइस सीमेंट मोटार आर मोर लाइबल टू द क्रैकिंग ऑफ कंपेयर विद द लीन मोटार बिकॉज दिस मोटार हैव हायर श्रिंकेज लेस स्ट्रेंथ एंड बोथ ए एंड बी नॉइज, इसका जो होता है हायर श्रिंकेज। सो नेक्स्ट देखते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसका 30 मिनट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो इसमें जो मैक्सिमम कंटेन ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट तो लो हीट की वजह से लो हीट सीमेंट इसका पहले ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है C2S होता है ये हीट इसमें बहुत कम कनेक्ट होता है और स्ट्रेंथ करीबन कर 1 ईयर के आफ्टर ये अपना स्ट्रेंथ पूरा देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज मोस्ट सीमेंट शुड बी यूज वाइल द कॉन्क्रीटिंग अंडर द वाटर देन डेट रिक्वायर फॉर द सेम मिक्स प्लेस इन द ड्राई। तो इसका परसेंटेज ऑफ मोस्ट सीमेंट शुड बी यूज वाइल कॉन्क्रीटिंग अंडर द वाटर वाट रिक्वायर फॉर द सेम मिक्स प्लेस इन द ड्राई। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा हमारे अकॉर्डिंग इसका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अर्ली अटैचमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू द, तो अर्ली तो इसके लिए जिप्सम फाइन ग्रेनिंग अर्ली स्ट्रेंथ के लिए फाइन ग्रेनिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो स्लो सेटिंग सीमेंट विल हैव द हायर परसेंटेज, इसके लिए जिप्सम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीक एटीएल डिवाइस इसके साउंड टेस्ट को डिटरमाइन करते हैं और सेटिंग टाइम के लिए कंसिस्टेंसी टेंस और इसके फाइनेंस के लिए परमिटिविटी टेस्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं, द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन, तो इसका जो है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन मोद ये होता है मोद C3S होता है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर द 20, तो इसमें जो है हाई एल्मुना सीमेंट होता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन इन द सीमेंट इज मेनली ड्यू टू द ही, किसके वजह से होता है? C3A के लिए होता है, यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका इनिशियल 30 होता है, फाइनल 10 आवर होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, तो स्ट्रेंथ जो होता है C3S के लिए होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, द पर्पज ऑफ एडिंग पोजलाना इन द सीमेंट, टू डिक्रीज द श्रिंकेज, टू डिक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, एंड डी है टू क्यूब डेवलपमेंट ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू डिक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो फॉर द वर्केबल कॉन्क्रीट 0.4 होता है मिनिमम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बल्किंग ऑफ सैंड इज अ मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेन अप्रॉक्सीमेट, तो एक बल्किंग होता है 4% पे, और ये देखिए यहाँ पे दिया है बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेन 4% एज अ वैल्यूम ऑफ सैंड गेट इंक्रीज बाय द 25% बिकॉज सैंड इज हाई टेंडेंसी टू इंक्रीज द वैल्यूम देन एक्सपोज टू मॉइस्चर। अगर 4% मॉइस्चर होगा 25% इंक्रीज कर देगा वैल्यू। सो नेक्स्ट देखते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड इज डिफाइंड, द मास ऑफ सैंड इज गिवन वैल्यू, द लोडिंग ऑफ द सैंड सो डेट ऑक्यूपाइड मिनिमम वैल्यू। सो देखते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द सैंड ड्यू टू द मॉइस्चर वाइल कीप सैंड पार्टिकल अपार्ट, जो देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल डेट इंक्रीज द वैल्यूम ऑफ सैंड। तो इसका ये ऑप्शन सही है कि इंक्रीज द वैल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू द मॉइस्चर टू कीप सैंड पार्टिकल अपार्ट। एक दूसरे को होता है कि 4% हम लोग मॉइस्चर एट प्रेजेंट 25% इंक्रीज कर देता है बल्किंग, तो वैल्यूम बल्किंग मतलब होता है कि इसका वैल्यूम को इंक्रीज कर देना सैंड का। सो नेक्स्ट देखते हैं, इफ द फाइनेस मॉडल्स ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 2.5 ऑन, इट कैन बी ग्रेडेड, इफ फाइन सैंड है या मीडियम सैंड है, वेरी फाइन सैंड है, नॉन, तो ये हम लोग का फाइन सैंड है। अब यहाँ देखिए हम लोग ने दिया हुआ है फाइन सैंड के लिए 2.2 से लेकर 2.6 होना चाहिए, मीडियम सैंड के लिए 2.6 से 2.9 के बीच में होना चाहिए, कोर्स के लिए 2.9 से 3.2 के लिए होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फिनोमिना कॉमनली ऑब्जर्व इन रिवर सैंड फॉर विच एडवोकेट प्रिकॉशन नीड टू टेक एस्टिमेट मेजरिंग एंड रिसीविंग सैंड एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसमें जो हम लोग का है मेनली एक ही चीज़ देखा जाता है, पहला दिया है ऑप्शन देखते हैं, पहले ब्लास्टिंग देखते हैं, सिल्टिंग देखते हैं, हाइड्रेशन देखते हैं, बल्किंग। सबसे पहले इसमें बल्किंग ही देखते हैं हम लोग कितना उसमें मॉइस्चर है। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो इफ बल्किंग ऑफ द सैंड इज नॉट टेकन इंटू अकाउंट फॉर द वैल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड, वाट विल बी द रिजल्ट, नो इफेक्ट बल्किंग ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस विल बी द रिजल्ट। इधर देखते हैं, मोर क्वान्टिटी ऑफ कॉन्क्रीट पर बैग ऑफ सीमेंट विल बी द प्रोड्यूस, लेस क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट एज पर द बैग ऑफ सीमेंट विल बी प्रोड्यूस, एंड इसका ऑप्शन नंबर है डी हो जाएगा, लेस क्वांटिटी ऑफ द कंक्रीट पर बैग ऑफ सीमेंट विल बी प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर पे, 435 कंपैक्शन फैक्टर अपार्ट एपरेटस इज यूज्ड टू मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट, इसके लिए कंसिस्टेंसी यूज करते हैं। द कंपैक्शन फैक्टर अपार्ट एपरेटस इज यूज्ड टू मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट देखते हैं, द बिहेवियर ऑफ कॉन्क्रीट अंडर द इंस्टेंटेनियस लोड, तो इसके लिए इलास्टिक होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, 37 फॉर द गिवन इन्वायरमेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर डैट इन्फ्लुएंस द श्रिंक द टोटल श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, द सीमेंट कॉन्क्रीट इज इन मिक्स, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एड इन द टाइम ऑफ मिक्सिंग, द
साइज ऑफ मेंबर कंक्रीट मैक्सिमम साइज ऑफ पोर्सिलेन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कलेक्टेड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन द टाइम ऑफ मिक्सिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ वॉइड इन कंक्रीट? वाटर वॉइड, एयर वॉइड, जेल वॉइड, सॉयल वॉइड। तो सॉयल वॉइड नहीं होता इसमें कंक्रीट में, क्योंकि सॉयल होता है, उसका वॉइड कहाँ से होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 439 के देखते हैं। द मिनिमम पीरियड ऑफ बिफोर द स्ट्रिपिंग द फ्रेम ऑफ द प्रॉप्स ऑफ स्लैब स्पेनिंग 6 मीटर। तो 6 मीटर के लिए हम लोग ये लेते हैं 40 डेज लेते हैं, क्योंकि स्पेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कि उसको जो स्लैब पे देखिए, अगर ये 7 डे पे रखते हैं, क्योंकि अगर 4 पॉइंट से कम रहेगा, 4.5 से कम है, तो अगर स्पेनिंग होगा तो 4.5 तो 40 डेज हम लोग को रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। द एग्रीगेट विच हैव द थ्रू 4.75 mm आईएस स्वीप एंड इंटायरली रिटेन ऑन 75 micron आईएस स्वीप इज कॉल्ड। सो इसका क्वेश्चन है ही नहीं, सॉरी। देन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो इसको शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू।